नमस्कार सभी को, आपको भी आभारी हूं आपने आमंत्रित किया हमें। यहां एक 8.5 साल हो गया, 8 साल 6 महीने हो गए। महाराष्ट्र में वैसे पानी की तो कमी है नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश बात यह है कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है और न जाने क्यों हम सब खोते जा रहे हैं। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से क्यों नहीं कर पाते। तो 8.5 साल पहले नाम फाउंडेशन के माध्यम से हमने वाटर कंजर्वेशन का काम शुरू किया। पुणे में खड़कवासला नाम का एक डैम है जिसकी कैपेसिटी 1.7 टीएमसी है, और शेखावत साहब आज तक हमने 6.7 टीएमसी का काम किया है नाम के माध्यम से। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कितना बड़ा काम है, पता चले कि एक सामान्य व्यक्ति एक कुछ अगर शुरू करती है तो कितने बड़े क्वांटम का काम हो सकता है। हमारा प्रॉब्लम वही है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, आधुनिक तंत्र ज्ञान जो है हमारा वो सीख लेते हैं और फिर दोबारा गांव की तरफ लौटते नहीं, शहर में बच जाते। ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारा। पुराने सिरे से अगर हम खेती करते रहेंगे तो हमारी खेती उतनी उपज हमें मिलेगी नहीं, हमको नए सिरे से खेती करनी पड़ेगी। नया तंत्र ज्ञान हमें नई पीढ़ी को अवगत है लेकिन वो वापस जा नहीं रही है खेतों। तो ये माइग्रेशन जो है वो खत्म होना चाहिए। अगर ये माइग्रेशन रुकता है तो मुझे लगता है कि हमारे गांव हैं वो समृद्ध हो जाएंगे। मैं खुद गांव खेड़े में रहता हूं, आज भी काम के सिलसिले में जब आता हूं तो शहर में आना पड़ता है, लेकिन बड़ी दिक्कत होती है, शहर में दम घुटने लगता है। दीवारों में रहते हैं हम, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, खैर आजकल तो माँ बाप भी नहीं, तो हम इतने सीमित हो गए हैं। जो कल हमारे सामने हमारा एक पड़ोस था, अगर घर में, बगल के घर में अगर कुछ पकता था तो एक कटोरी हमारे घर में आ जाती थी, हमारे यहां पकता था तो वहां जाती थी, लेकिन वो सब कहां गायब हो गया। बड़े सिरे पे हमें सोचना पड़ेगा। 35 थे, 135, 140 हो गए हम। सोर्सेस वही है, सीमित है। शेखावत साहब, हम सभी बातें करते हैं बाकी आबादी की बात कोई नहीं करता। दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, वो सीमित होनी चाहिए, क्योंकि वो सीमित नहीं रहेगी तो एक दिन, अब जमीन वही, पानी वही, उतना ही, सब कुछ इतना ही है और हम इतने हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। और पानी एक ऐसी चीज है उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जमीन जमीन रहेगी अगर उसके ऊपर पानी डालो फिर वो हरी हो जाएगी, पानी के अलावा कुछ नहीं है। सही मायने में जीवन है पानी। हमारे प्रोफेशन में, हम नाटक सिनेमा में काम करते हैं, वहां तो अलग अलग तरह के किरदार निभाते रहते हैं। कोई कभी कभी सराहना करते हैं हमारी तो पूछते हैं, नहीं आपने वो कैसे खूबी से निभाया, ये कैसे खूबी से निभाया, सभी रोल कैसे खूबी से निभाते हैं।
मैंने कहा मालूम नहीं हमें। एक कहानी है, धोबी था, उसका गधा गुम हो गया। वो दिन भर ढूंढता रहा, गधा कहीं मिला नहीं। रात हो गई, घर आया, बीबी ने कहा कि दिन भर थके हो, कुछ खा लो। परोसा, एक निवाला तोड़ा, मुंह की तरफ लिया और वैसे ही रख दिया और बाहर गया। बीवी चिल्लाती रही, कहाँ जा रहे हो? और 5 मिनट में गधा लेके आ गया। बीवी ने कहा दिन भर ढूंढते रहे, गधा मिला नहीं, अब कहाँ से लाया? तो कहते नहीं, बैठा निवाला तोड़ा तो मेरे जहन में एक बात आई कि अगर मैं गधा होता तो कहाँ जाता, वहां जाके देखा तो वह गधा मिल गया। तो आज तक जो हमारे रोल है वो हमको ऐसे मिल गए। नाम फाउंडेशन वो भी एक ऐसी ही चीज है कि लगा चलो शुरू करते हैं कुछ, और किसी की हंसी के हम मजे हो जाते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। इससे बेहतर नहीं है। अब नाटक सिनेमा में काम करने की वजह क्या है? आप जब तालियां बजाते हैं, आप सराहना करते हैं, आप बोलते हैं नहीं वाह बहुत अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा लगता है। ये इंसान की फितरत है, उसे कोई अच्छा कहे तो अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन बुरा कहे तो बुरा लगे ना तो और अच्छा होगा। क्योंकि बुरा कहने के बावजूद कोई सुधरता नहीं तब दिक्कत होती है। खैर, उस दिन हम ऐसे ही, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब और फडणवीस साहब डेप्यूटी, तो उनके ऐसे ही एक इंटरव्यू ले रहा था मैं ऐसे स्टेज पे। गलत मत समझिए, राजा हमारे यहां तो राजा जाते नहीं है, लेकिन परदेश में जैसे राजा रानी फिशिंग को जा रहे हैं। अब फिशिंग को जा रहे हैं तो रास्ते में एक कहिए मछुआरा गधे पे बैठ के जा रहा है, तो राजा ने पूछा कहाँ जा रहे हो फिशिंग को? तो कहते नहीं आज तूफान आने वाला है, बहुत बारिश होगी, आज नहीं जाऊंगा। तो कहता पागल हो, हमारे पास हमने एक आदमी रखा है हवामान तज्ञ जो सब कुछ बताता है, उसने कहा कुछ नहीं होगा, जाइए महाराज। और महाराज चले गए और बाद में तूफान आया, बारिश हो गई। तो महाराज ने वो जो हवामान जो तज्ञ रखा था काफी पैसे देके उसको बुलाया, प्रधान को कहा इसको निकाल दो धक्के मार के, और जो मछुआरा था जिसने कल कहा कि वो तूफान आने वाला है उसको लेके आओ, उसको अपॉइंट करो इधर इसकी जगह। उसको पकड़ के लाए तो मछुआरे ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता। तो कहे परसों तो तूने कहा तूफान आएगा बारिश आएगी और सही निकला। तो कहता नहीं मेरा गधा जो है वो कान नीचे डाल देता है तो मुझे पता चलता है कि ये तूफान आने वाला है। तो खैर चलो निकालो इसको, गधे को अपॉइंट करो। तो वो जो प्रघात चल रहा है वो अभी तक चालू है, जिस दिन वो प्रघात बदलेगा पानी का प्रॉब्लम मिट जाएगा। तंज की बात छोड़ो, लेकिन मैं सबसे बुरी बात हमारे यहां ये है, जो चीज हमारे पास है उसकी कीमत नहीं हमें। वेंटिलेटर पे 2 दिन रहो, 7 लाख का बिल भरोगे, जन्म से यहां सांस ले रहे हो, लेकिन उस पर्यावरण का आप कोई ख्याल नहीं रखेंगे। ये तो कमाल है, क्योंकि फोकट का है ना, भगवान ने दिया हुआ हवा है, पानी है, ऑक्सीजन है। वो जिस दिन हम ख्याल करेंगे तो मजा है, नहीं तो क्या। मैं यहां आने की मैं वजह बताता हूं, मैं शूटिंग कर रहा था प्रयागराज में, यहां से 2.5 घंटे फ्लाइट से लगते हैं, हमारी शूटिंग आज बंद रखी है हमने। मैंने कहा नहीं जाना है, क्योंकि ये बात करने का मौका मिलेगा मुझे।
मैंने कोई मेहरबानी नहीं की, मैं वही जाता हूं जहां मुझे खुशी मिलती है। आपको मिलती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। आई लाइक यू नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर बट व्हाट आई एम व्हेन आई एम विथ यू। मंदिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मंदिर में जाने के बाद मुझ में जो बदलाव आता है वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे मंदिर अच्छा लगता है। मंदिर में सच कहता हूं मैं जाता नहीं। भगवान के जैसे इतने लोग मेरी जिंदगी में मिले, उनके सामने झुकते झुकते भगवान की तो बारी आई नहीं। एक बार जाएंगे तो बात करेंगे, तब बाबा आमटे हैं इतने बेहतरीन, इतने कमाल के समाज सेवक, और क्या चाहिए। हमारे इर्द गिर्द इतने ऐसे लोग हैं जिनके छूने से भी हम में इतना बदलाव आ गया। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, इतना बेहतरीन काम है। मैं तो कहता हूं ना, मैं अभी कह रहा था बहन जी को कि मैंने कहा मैं पाखंडी किस्म का आदमी हूं, हम कहीं जाता नहीं, कोई बात कहीं कोई कुछ बात किसका ख्याल ही नहीं किया, बिल्कुल जंगली का जंगली रहा, जैसे था वैसे, गांव खेड़े का वही हूं और मैं खुश हूं। आज गांव खेड़े में जब रहता हूं तो वहां दीवारें नहीं है, अगर शहर के आदमी को पूछो कि आसमान देखा तुमने कब देखा, है ही नहीं वक्त, हर बार नीचे देख के चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अरे भाई आसमान देखो, हमारे लिए बना हुआ है। अब शहरों में बचा भी कितना आसमान, खिड़की इतना तो आसमान है। अब भी वो बड़ी बड़ी इमारतें आ गई, वो भी हमारा आसमान छीन लिया वो इमारतों ने। बहुत जरूरी होता है ये। तो कहीं यहां मैं मेहमान करके नहीं आया हूं, मुझे लगता है जो काम मैं कर रहा हूं, करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं। हमारे यहाँ क्षिप्रा माथुर जो हमारे राजस्थान से जयपुर से है, जो हमारी ट्रस्टी है और बहुत बेहतरीन काम करती है, जिस तरह से वो बात करती है मुझे नहीं आती करने। हम तो कैसे मुंतशिर जैसे लोग लिखते हैं और बोलते रट के, समझे कि नहीं मनोज। ये जो है ये ओरिजिनल लोग है, लेकिन काम जब करते हो ना तो तुम्हें अगला शब्द कौन सा है, कौन सा पुकारना है, कौन सा बोलना है, उसकी सोच नहीं करनी पड़ती, वो आ जाता है, क्योंकि वो काम बोलता है, आप नहीं बोलते। शेखावत साहब अगले मालूम नहीं अगले बार आप हमें कब बुलाओगे, मेहमान के तौर पे मत बुलाइए, गांव खेड़े में हमको जाने दो, जहां जहां दिक्कत है, वहां का काम करना चाहेंगे हम, वहां पानी कैसे लाया जाए उसके बारे में हम। तो आप यहां से क्षिप्रा जी सभी के युवराज उतनी मेहरबानी करना, जहां जहां उनसे मिलके बता देना, और जितनी हमारी औकात है हम काम करने की कोशिश करेंगे, और आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैं कहता हूं कि मुझे अपना समझिए और मेहमान करके मत बुलाइए, नहीं आएंगे, हमें अपना समझ के बुलाएंगे, बार बार आएंगे हम और सही काम के लिए। मैं लगातार बहुत बोलते रहूंगा क्या है कैसे किससे, सिर्फ आखिर की एक बात बोलता हूं। शुरुआत तो ऐसे हुई है कि महाराष्ट्र में, हालांकि सही हर जगह, जो किसानों की आत्महत्या है, तो हमने कुछ पैसे जमा किए थे गाड़ी लाने के लिए, नई गाड़ी, और शाम को हम टीवी देखते बैठे थे तो एक किसान ने आत्महत्या की और उसके फैमिली का इंटरव्यू चल रहा था, माँ बाप बीवी और दो बच्चे, उनके चेहरे पे आंखों में मेरा बाप मर गया, मेरा मियाँ मर गया, मेरा बेटा मर गया, ये दुख से ज्यादा भूख थी शाम की, शाम को क्या खाएंगे। उस वक्त लगा के जो हम गाड़ी लेंगे उसके बजाय ये पैसे अगर हम उनमें बांट दें तो कम से कम एक तसल्ली होगी मुझे कि मैंने अपना काम किया। काम वहां खत्म नहीं हुआ। मेरे दोस्त है मकरंद अनासपुर, उन्होंने कहा वो सर चेक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप आ जाइए पहले दिन।
बड़ी नाखुशी से मैं वहां गया। सामने 250 बच्चियां बैठी है विधवा, जिनके मियाँ ने आत्महत्या की थी। देखने के बाद महसूस हुआ कि ये काम एक 200-400 चेक देके खत्म होने वाला नहीं है, ये अविरत चलना ही चाहिए। और वहां से वो शुरुआत हुई। आपको कह देता हूं, जब हमने ये कह दिया कि ये काम करना है, महाराष्ट्र के लोगों ने वहां बंबई पुणे 2 महीने में 60 करोड़ रुपए दे दिए, 60 करोड़। ऐसी बात नहीं कि शहर के लोगों को, गांव वाले लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन उनकी अपनी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। लेकिन उसमें से भी वो जितना करना चाहते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने सिरे से अपने तरीके से जितना कुछ कर पाएंगे। तो ये जो है क्षिप्रा जी, सबके सामने मैं कहता हूं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप इनसे मिलिए और वो आगे हम काम ये शुरू करेंगे, क्योंकि नाम फाउंडेशन का काम जो है वो महाराष्ट्र के लिए अब सीमित नहीं है, वो यहाँ राजस्थान के लिए है, आसाम के लिए शुरू किया है हमने। सो धन्यवाद, थैंक यू।